34 minus 9 minus 20 minus 10, 60 minus 10 minus 50, that is 60. 60 is correct answer. 44, 55 minus 9 minus 40 minus 50, 22 minus 10, that is 12. 12 is correct answer. मैंने 2020 annual examinations 12th में top की है वाली. Well, अभी मैं फिलहाल engineering मैंने start की है Pitts Pilani में in computer science. मैंने Aloha join किया था when I was in third standard. I have always been grateful for that. क्योंकि I think Aloha ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है. I was कॉम्पिटिटर इन स्टेट लेवल कॉम्पिटिशन 2013 आई गेस एंड वहाँ पर भी मैंने आई होल्ड द चैम्पियनशिप अवार्ड फॉर दैट. सो अनुहा ने मुझे बहुत कुछ सिखाया है टू बी ऑनेस्ट. जो कॉम्पिटिशन होता है जो बाकी बच्चों के साथ जो दूसरे स्कूल से होते हैं जिनका माइंड सेट जिनकी डेवलपमेंट बहुत ही डिफरेंट तरीके से होती है आप उनके साथ कॉम्पीट करते हो तो ऑब्वियसली आपके अंदर जो है वो कॉन्फिडेंस आ जाता है स्पेशली इफ यू बिकम अ रनर अप और यू बिकम अ चैम्पियन. एंड इवन दो अगर आप ना भी ये सब कुछ बनो अगर आप कॉम्पीट ही करते हो तब भी आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है. एंड Aloha जो है उस बहुत सारे कॉम्पिटिशन्स नॉर्मली होते हैं नेशनल लेवल होते हैं स्टेट लेवल होते हैं जनरल एबिलिटी टेस्ट होता है जिसमें आपको लाइक दैट हेल्प्स यू कि आप बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट एरियाज जो है सोशल साइंस साइंस मैथमेटिक्स इन सब चीज़ों को कवर करते हो तो आपको बहुत लाइक वाइड नॉलेज मिलती है इन सब चीज़ों को लेकर. मैंने 2021 में जो है अभी ही इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग टॉप किया है और मुझे गोल्ड मेडल मिला है SKSCC में इसी साल जहाँ के जो चीफ गेस्ट थे वो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया थे प्रमोद कोविंद जी. तो मेरी जो जर्नी है मैं इससे पहले भी मैंने कहा है कि जो इंसान की जो जर्नी होती है वो उसमें अकेले नहीं होता है उसके जो साथ जो उसका साथ देते हैं उसका सपोर्ट देते हैं बहुत सारे लोग होते हैं लाइक पेरेंट्स होते हैं या स्कूल होता है या कॉलेज होता है. तो मेरे हिसाब से कि एक अहम रोल जो निभाया है मेरी इस जर्नी में एंड दैट्स Aloha Aloha जम्मू एंड कश्मीर. मैं फिफ्थ क्लास से ही Aloha की स्टूडेंट रही हूँ. मैंने स्टेट लेवल्स में भी कम्पीट किया है मैंने नेशनल लेवल में भी कम्पीट किया है और मैंने जो Aloha कंडक्ट करते हैं हर साल जनरल एबिलिटी टेस्ट का एग्ज़ाम मैंने वो भी दो बार क्रैक किया है. तो मुझे लग रहा है कि जो बेसिक लेवल पर हमें यहाँ पे सिखाते हैं लाइक मैथमेटिक्स सिखाते हैं जो एबिलिटी का जो टेस्ट होता है वहाँ पर जो उसके तीन स्टेजेस होते हैं पर्सनालिटी टेस्ट होता है मेंस होता है प्रीलिम्स होता है जहाँ पर हमें जनरल नॉलेज का एग्ज़ाम लेते हैं हर एक चीज़ हर एक फील्ड के बारे में हमें पढ़ना पड़ता है. तो वो बेसिक से हम लोगों को तैयार करते हैं आगे के एग्ज़ाम्स के लिए आगे के कॉम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स के लिए. Aloha जो है मैं आपसे एक चीज़ शेयर करना चाहता हूँ. जब मैं फर्स्ट सेकंड क्लास में था तब मैंने Aloha ज्वाइन किया था. तो Aloha तो आप समझ सकते हैं कि Aloha ने मुझे सब कुछ सिखाया है. मेरी कलम पहली बार पकड़ना मुझे सुहेल सर ने हमारे Aloha के टीचर हैं उन्होंने सिखाया है. उन्होंने मुझे सोचना सिखाया है इस साइंस की तरफ जो हमारा रुझान है सोचने की तरफ क्रिएटिविटी जो होती है बच्चे के लिए वो मैं Aloha जो क्लासेस होती थी उन्हीं से सीखा है ज़्यादातर. और फिर जो हमारी कॉम्पिटिशन्स होते थे कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स उससे वो कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स का फील आता है कि जब आप गैट एग्ज़ाम करते हैं जो कि IAS के एग्ज़ाम का एक छोटा सा मतलब मिनिएचर सा है लेकिन बिल्कुल उसी हमारे लिए उसी कम्पिटेटिवनेस के साथ हम देते हैं. तो उससे हमें समझ आता है कि कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स क्या होते हैं. तो उससे फिर हम जो आगे बढ़ते हैं जो हमारे रियल एग्ज़ाम्स होते हैं JEE एडवांस तो उनका डर ख़त्म हो जाता है क्योंकि हमने पहले जो है इतने कम्पिटेटिव एग्ज़ाम्स दिए हुए हैं. तो ये जो फियर का होता है ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहता है बहुत ज़्यादा डिसाइसिव भी रहता है एक बच्चे के लिए. कि मेरे पेरेंट्स की तरफ यही अपील रहेगा कि बच्चे को आप Aloha ले आइए कि अगर उसके पास सफिशिएंट टाइम है कि वो Aloha ज्वाइन कर सकता है. बिल्कुल बहुत कम टाइम लेता है Aloha तो सिर्फ संडे क्लासेस होती हैं. यहाँ पे आज जो श्रीनगर में डायरेक्टर Aloha की जानिब से एक ऑर्गेनाइज एक इवेंट किया गया उसमें हमारी एक इनविटेशन है. मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ इन्होंने मुझे यहाँ पे इनवाइट किया. सो आफ्टर ऑलमोस्ट 10 साल के बाद मैं Aloha मतलब वापस ज्वाइन किया हूँ कि लाइक एज ए मतलब मैं भी स्टूडेंट ही हूँ. तो इन्होंने आज ऑलमोस्ट 10 ईयर्स के बाद मैं यहाँ पे आज एक Aloha फैमिली के बीच में वापस आ गया. तो मैं एक कमर्शियल पायलट हूँ तो उसके अब ये आज मैंने वहाँ यहाँ पे अपना एक लेक्चर दिया है कि मतलब ये Aloha की वजह से इसका क्या इफ़ेक्ट पड़ा कि मैं मेरी अर्थमेटिक्स में मेरी मेंटल अर्थमेटिक्स में मेरी जो इसमें काम होता है हमारे पायलट्स में लाइक क्या क्या असरात पड़े Aloha करने से मेरी ज़िंदगी में. Aloha
हाँ, पिछले 15 साल से जम्मू कश्मीर में चला रहे हैं। ये बच्चों के लिए ब्रेन डेवलपमेंट प्रोग्राम है। इसके साथ साथ हम बच्चों की कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए ग्रूमिंग करते हैं। आज जो ये प्रोग्राम है, जिन बच्चों को पिछले 5-6 सालों से हमने ग्रूम किया था, उनमें से कुछ बच्चों ने अलोहा स्टार्टेड बेयरिंग फ्रूट्स। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे बच्चे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के थ्रू बड़े बड़े कॉलेजेस में, IITs में जा रहे हैं। तो ये हम पिछले 10 सालों का नतीजा देख रहे हैं इन बच्चों में। जो बच्चे अलोहा के प्रोग्राम्स में आते हैं, उसमें जो हमारी वायस लोन है, जिसने IIT में एडमिशन लिया है, और कुछ बच्चे हैं जिन्होंने कमर्शियल पायलट बना है, बी इलेक्ट्रिकल में जो खान सा सना है उसने गोल्ड मेडल लिया है, उसको प्रेसिडेंशियल गोल्ड मेडल, प्रेसिडेंट ने भी गोल्ड मेडल दिया है, और भी कई सारे बच्चे हैं जिनको आज हम फेलिसिटेट करना चाहते हैं। इन बच्चों ने बहुत अच्छी परफॉर्मेंस दी है। हमारी कोशिश ये है कि अभी जो अब विंटर्स आ रहे हैं, हम नए बैचेस स्टार्ट कर रहे हैं अलोहा के, जिसमें बच्चों की सिर्फ ब्रेन डेवलपमेंट ही नहीं, हम उनकी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कोर्सेज शुरू कर रहे हैं। तो इस प्रोग्राम से हमने फिर नई शुरुआत की है कोविड के बाद। इंशाल्लाह हमारे सेंटर्स पे नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं, बोथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए और जो ये हमारे मेंटल एबिलिटी के प्रोग्राम्स भी हैं। इसके साथ साथ जो जनरल एबिलिटी टेस्ट हम कर रहे हैं, 5,000 बच्चे, 6,000 बच्चे हर साल इसमें पार्टिसिपेट करते हैं। उन बच्चों में भी हम बहुत सारी डिफरेंसेस देखते हैं। पर्टिकुलरली जो बच्चे प्रीलिम्स मेंस के बाद ग्रुप इंटरव्यू तक पहुंचते हैं, वो 50-60 बच्चे आउट परफॉर्म करते हैं। जनरली हमने देखा उन बच्चों को कि वो परफॉर्म बहुत अच्छा करते हैं। उनकी ट्रेनिंग उस तरीके से होती है, क्योंकि उनका जब हम इंटरव्यू करते हैं, पर्सनैलिटी टेस्ट करते हैं, उसमें कई सारे KS, IAS ऑफिसर्स, डॉक्टर्स, इंजीनियर्स के साथ उनकी इंटरेक्शन कराते हैं। तो वेन दे रब देयर शोल्डर्स विद पीपल हु हैव अचीव्ड समथिंग इन देयर लाइफ, उनकी ज़िंदगी में एक बहुत बड़ा मरहला होता है। जो आज अपने यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे देखे हैं, उनका यहाँ पर स्टेज पर परफॉर्म करना, उनकी डिमॉन्स्ट्रेशन करता है, ये उनको एक कॉन्फिडेंस देता है। इसलिए जिन पेरेंट्स के बच्चे अलोहा में नहीं हैं अभी, मैं उनसे ये करूँगा कि उनको ये चाहिए कि इन बच्चों को ये अपॉर्चुनिटी दें। 2 साल तक ये कोर्स होता है, हर संडे 2 घंटे के लिए आना पड़ता है बच्चे को, लेकिन उसमें एक शर्त ज़रूर है कि 15 मिनट की प्रैक्टिस जो बच्चे करते हैं, वही इस चीज़ में बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं।